नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे बीएस लाइव न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। खेत में सिंचाई कर रहे किसान की सर्पदंश से मौत। चरखारी महोबा, चरखारी तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुड़ा निवासी धर्मेंद्र राजपूत पुत्र आशाराम राजपूत उम्र लगभग 24 वर्ष को खेत में सिंचाई करते समय सर्प ने डस लिया, जिससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि धर्मेंद्र अपने घर से खेत की सिंचाई करने के लिए खेत पहुंचा और पाइपलाइन बदलने लगा, तभी उसे जहरीले सर्प ने काट लिया। तब उसने पड़ोसी किसानों को आवाज दी। आवाज सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए और आनन फानन में एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना ही मोटरसाइकिल से पनवाड़ी प्राइवेट अस्पताल ले गए। तत्पश्चात डॉक्टर ने बिगड़ती हालात देखकर मरीज को झांसी रेफर कर दिया। झांसी के रास्ते में हरपालपुर के समीप ही उसकी मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया और उसके शव को चरखारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर शव विच्छेदन गृह महोबा भेज दिया। राजस्व इकबाल ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआवना किया। मृतक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके पास लगभग 5 बीघा जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह अपने पीछे 2 साल का बालक एवं अपनी पत्नी को छोड़ गया है, जिनका रो रोकर बुरा हाल है। चरखारी से रिपोर्टर तौकीर अहमद की विशेष रिपोर्ट और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज चैनल। खबर अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कहां पर हुई घटना? ये खेत पर भाई साहब सिंचाई कर रहे थे, पाइप बदलने में करूँ तो जहाँ पानी गिरा तो वो गड़वा में आते सांप की है। अच्छा, उसने काट लिया भाई? उन्होंने काट लिया ये कहा। अच्छा, देख लिया था उसे? हाँ देख लिया। अब है साहब वो गड़वाई में है, देखभाल भी देख लिया। मान रखा जाऊ भगो नहीं है टन। अच्छा, सूचना पुलिस को दे दी? सूचना पुलिस को दे दी, सब कुछ हो पंचनामा कर गए। तो अभी कहाँ है वो मिट्टी? कहाँ है? इतनी रखी अस्पताल में। अच्छा, अभी महुआ नहीं भेजी? नहीं, फ्रीजर में, कल सुबह भेजे। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कहाँ के निवासी हैं आप? बड़ा के। क्या घटना हो गई है? वो ये लड़का जो है सिंचाई कर रहा था खेत पर, तभी अचानक से पानी भराते समय उसको सर्प ने डस लिया। अच्छा, तो उसी वजह से। तो आप उपचार के लिए कहाँ ले गए थे? उपचार के लिए हम सबसे पहले पनवाड़ी अस्पताल में ले गए थे, उसके बाद कहीं और रेफर कर दिया। उन्होंने बोला था कि झांसी ले जाओ, तो आधे रास्ते तक जा पाए, वहीं पर डेथ हो गई उसकी। अच्छा, तो आज क्या अभी क्या कार्रवाई हो रही है? पुलिस आ चुकी है? हाँ, पुलिस आई है, उन्होंने अपनी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो होती है वो करी है अपनी। लेखपाल वगैरह कोई आए हैं? हाँ आए थे, वो खेत पर मुआयना भी करने गए थे, किस जगह काटा हम वहाँ पर देखने भी गए थे वो। इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या है मतलब इनकी जमीन अमीन वगैरह क्या क्या सा? जमीन का ये है कि 5-7 बीघा होगी, ज़्यादा नहीं है उनके पास, कुछ है अपना ऐसे ही किसानी करते। अच्छा, और कोई रोजगार का साधन? कुछ भी नहीं, और कोई रोजगार का साधन नहीं। नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे बीएस लाइव न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर